सभी मुरैना जिले वासियों को मेरा नमस्कार। कोरोना कोविड-19 के मुरैना हेल्थ बुलेटिन में आज आपको एक खुशखबरी देना चाह रहे हैं। लगातार बहुत दिनों से हम लोग जांच करा रहे हैं और कॉन्स्टेंटली बहुत सारे लोगों का पॉजिटिव रिजल्ट भी आ रहा है। आज ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारे जितने भी टेस्ट रिजल्ट हमने भेजे थे सारे रिपोर्ट जो है नेगेटिव आए हैं। आज हम लोगों ने 10 रिपोर्ट हमें DRDO लैब से प्राप्त हुआ है, उसमें रिपोर्ट्स नेगेटिव है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे मुरैना ज़िले में एक परिवार इन्फेक्टेड हुआ था, तो जो हमने प्रथम लॉट पे जो सैम्पलिंग के लिए केसेस भेजे थे वो सब उनके निकटतम परिवार के लोग थे जो एक ही मकान में रहते हैं। स्वाभाविक है कि उन लोगों का संक्रमण होने का चांसेस बहुत ज़्यादा था और उसी लिहाजे से जो है उन सब के रिजल्ट्स, उनमें से बहुत सारे लोगों के रिजल्ट्स जो है पॉजिटिव आए थे। तो वो दंपत्ति को मिलाकर आज की डेट में मुरैना ज़िले में केवल 12 ही केसेस पॉजिटिव हैं और कोई नए केस में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है। हमने जो इनके अन्य परिजन, उस दंपत्ति के जो भाई हैं, उनके जो ससुराल वाले हैं, उनके अन्य जो रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ भोज में जो लोग गए थे उनको भी धीरे धीरे छांटते हुए उनके भी हम सैंपल्स भेज रहे हैं। और खुशी की बात यही है कि अभी तक जो बाकी सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स के सैंपल्स की रिजल्ट आई है उसमें हमें रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुआ है। अगर मैं आंकड़ों की बात करें तो अभी तक जो है 84 सैंपल्स मुरैना जिले से लिए गए हैं, उसमें से हमारे पास 42 सैंपल्स के रिजल्ट आए हैं और उसमें से केवल ही 12 है, शेष 30 का रिजल्ट नेगेटिव है। एक और बहुत चिंता का विषय बना हुआ था और अफवाहें भी थी कि हमारे कुछ डॉक्टर्स हैं जो इनके संपर्क में आए हैं। एक प्राइवेट डॉक्टर थे, 3 हमारे सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स थे जो इस पेशेंट के संपर्क में आया था, लेकिन बहुत खुशी के साथ मैं ये आपको अवगत करा रही हूँ कि हमारे समस्त डॉक्टर्स के भी रिजल्ट जो है नेगेटिव प्राप्त हुए हैं। मैं बारी बारी से उनका नाम भी मैं आपको बता दूँ। इसमें डॉक्टर राघवेंद्र यादव हैं जो हमारे कोविड टीम के बहुत ही अहम मेम्बर हैं, इनका रिजल्ट नेगेटिव आया है। डॉक्टर योगेश तिवारी और डॉक्टर अंकुर गुप्ता, ये दोनों भी बहुत पॉपुलर जिला अस्पताल के हमारे डॉक्टर्स हैं जो फीवर क्लिनिक्स और OPD में नियमित रूप से बैठते हैं, इनके रिजल्ट भी जो है नेगेटिव आया है। और डॉक्टर अजय गोयल, इनका भी प्रिकॉशन के तहत हम लोगों ने सैंपल लिया था, इनका भी रिजल्ट नेगेटिव आया है। प्राइवेट के जिस डॉक्टर को RMP को इन्होंने दिखाया था, सुरेश बरेठा जी ने, उनका नाम है जगदीश राजोरिया, इनका रिजल्ट भी नेगेटिव आया है। राजोरिया जी के यहाँ काम करने वाले जो कंपाउंडर थे उनका भी रिजल्ट जो है नेगेटिव आया है। सो कुल मिला के हमारे स्वास्थ्य महकमे के प्राइवेट एवं गवर्नमेंट के जितने भी लोगों के सैंपल्स DRDO लैब भेजे गए थे वो रिजल्ट्स नेगेटिव आए हैं, वो पूर्णतः स्वस्थ हैं और शीघ्र ही जो है अपने गवर्नमेंट के डॉक्टर्स जो है अपनी ड्यूटीज रिज्यूम करेंगे। दूसरा चीज जो मैं आपसे आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि अभी भी मुझे कहीं कहीं से ये रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि लोग जो है इस प्रकार की जानकारी कि उनको सर्दी खांसी या जुकाम है या वो किसी ना किसी विदेश यात्रा किए हुए लोगों के संपर्क में आए हैं इस बात को छुपा रहे हैं। इससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ नहीं होगा कि आप इस तथ्य को छुपाए, क्योंकि ये इससे ना केवल आप अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हो रहे हैं बल्कि आप अपने परिवारजन, अन्य अड़ोस पड़ोस या अपने जानने वाले सभी पे जो है रिस्क इम्पोज कर रहे हैं। इसलिए मेरा पुनः आप सबसे अपील है कि आप स्वतः ही हमें डिक्लेयर कीजिए, हमें बताइए ताकि हम आपकी जांच कर पाए और इसकी पुष्टि कर पाए कि आप में वो वायरस का संक्रमण है कि नहीं है। एक और चीज बता दें कि अगर ये बहुत बाद में पता चलता है तो आपको कॉम्प्लिकेशंस की, हेल्थ की जो है रिस्क बढ़ जाती है। इसीलिए मुझे, मेरा पुनः अनुरोध है सभी लोगों से, और इसमें ग्रामीण इलाके के भी मेरे सारे जिलेवासी शामिल हैं, जितने भी लोग 20 तारीख को उनके नियोते में आए थे वो बहुत सारे लोग जो है खुद से ही डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो डर रहे हैं या संकोच कर रहे हैं और सामने निकल के नहीं आना चाह रहे हैं, वो ज़रूर सामने निकल के आए। जैसा कि अब आज के रिपोर्ट से पता चल रहा है कि उनकी जाँच होने के बाद भी इसकी सिर्फ पुष्टि हो रही है
कि उनके रिजल्ट्स नेगेटिव है। मैं पुनः बता दूं कि मुझसे ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा अगर ये सब पूर्णतः स्वस्थ निकले और इनके रिजल्ट्स नेगेटिव निकले। लेकिन अगर कहीं ना कहीं उनके उनके अंदर वायरस है तो वो टेस्ट पॉजिटिव आएगा और फिर जो है उनका उपचार या इलाज किया जाएगा। एक और चीज़ का निवेदन है, वार्ड 47 में बहुत सघन तरीके से जो है हमारे स्वास्थ्य अमले के द्वारा घर घर सर्वे किया जा रहा है। आज मैं स्वयं महाराजपुरा और प्रेमपुरा दोनों इलाकों में मैंने भ्रमण किया और मैंने पाया लोगों के साथ इंटरेक्ट करके कि हमारे स्वास्थ्य कर्मी जो है बहुत सिंसियरिटी के साथ एक एक घर में पूछताछ करके जांच कर रहे हैं। अभी तक 1510 घर हम कवर कर पाए हैं और उसमें भी जो प्रतिशत निकल के आ रहा है जिनको सर्दी खांसी जुखाम या ब्रीदिंग प्रॉब्लम की शिकायत है वो बहुत ही नगण्य है। कल हम लोगों ने 12 लोगों को जिला अस्पताल बुलाया था सैम्पलिंग के लिए और आज 3 परिवार के 10-12 लोगों को बुलाया हुआ है सैम्पलिंग के लिए। कहने का मतलब ये है कि संक्रमण का प्रतिशत बहुत कम है। हमें इस चीज़ की भगवान को शुक्र मनाना चाहिए कि ये हमारे ज़िले में ज़्यादा नहीं फैला है, लेकिन इसमें एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। अगले 14 दिन हमारे ज़िले के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा, खास करके वार्ड 47 के लिए जहां से ये जिले में बीमारी की शुरुआत हुई है। अन्य जगह पे भी जिस कड़ाई के साथ जो है कर्फ्यू और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है इसको यथावत रखना उतना ही जरूरी है। इस चीज से खुशी जरूर हम मनाएं कि हमारे आज के रिजल्ट्स नेगेटिव आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लापरवाह हो जाए और फिर से सड़कों में घूमने निकल जाए या फिर घर के बाहर आ जाए। घर के अंदर रहना ही आज की डेट में सबसे बड़ी सुरक्षा है। हमारे स्वास्थ्य कर्मियों का आप सहयोग करें, जो घर में पहुंच रहे हैं उनका जो है आप सही सटीक जानकारी दें ताकि जो है हम आपके केसेस को हैंडल कर सके। इसके अलावा हमने वार्ड 47 का कार्य लगभग आज या कल सुबह तक लेटेस्ट खत्म हो जाएगा डोर टू डोर सर्वे का। उसके बाद हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि उससे आसपास के लगे हुए जो और वार्ड्स हैं जो 3 किलोमीटर के दायरे में आते हैं उनका भी सर्वे प्रारंभ किया जाएगा। उन सभी वार्ड्स का मैं आपको जो है डिटेल्स बता देना चाहती हूँ। यहाँ पे भी बहुत शीघ्र जो है हेल्थ का टीम जो है आपके पास पहुँचने वाले हैं। ये है वार्ड 46, वार्ड 44, वार्ड 9 और वार्ड 10। इन 4 वार्डों में भी जो है हम घर घर सर्वेलेंस का कार्य शुरू कर रहे हैं केवल मात्र प्रिकॉशन के लिए, क्योंकि वार्ड 47 का एरिया से जो है ये चार वार्ड जो है इसका बाउंड्री शेयर करते हैं, तो इसीलिए वहां पे जो है हम लोग घर घर सर्वे और सैम्पलिंग का काम जो है शुरू करने वाले हैं। मेरा पुनः अनुरोध है कि हमारे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ जो है अच्छा व्यवहार कीजिए, उनके साथ कोऑपरेट कीजिए। अगर कहीं पे भी पाया जाएगा कि हमारे स्वास्थ्य कर्मियों के कार्य करने में किसी प्रकार की बाधा अड़चन या उनके साथ दुर्व्यवहार या उनको डरा के भगाने की कोशिश की जा रही है तो कठोर से कठोर कार्रवाई जो है किया जाएगा। फिर इस चीज़ का लिहाज नहीं रखा जाएगा कि आप मरीज है कि नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य के सारे कर्मचारी जो हैं, हमारे सारे आशा वर्कर्स ANMs जो हैं अपने जान पे खेल कर जो है आपकी सुरक्षा के लिए आपके घर में आके इस चीज़ का पता लगाना चाह रहे हैं कि आपको संक्रमण है कि नहीं है। इसीलिए इतनी इंसानियत और इतनी ग्रैटिट्यूड हम लोगों को होनी चाहिए कि अगर स्वास्थ्य कर्मी हमसे कोई सवाल पूछ रहा है तो उसका हम सटीक जवाब दें, उनका सहयोग करें ताकि वो जो है प्रॉपर सर्वेलेंस और सैम्पलिंग कर सके। धन्यवाद।